नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। कानपुर से है, जहां पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर हिंसा के बाद अब नया मामला सामने आया है। अब भारतीय उत्तर प्रदेश के दलित पैंथर के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ अराजक तत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि इंटरनेट पर धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा दलित समाज देश भर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आज हम लोग डीएम के यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। विनीत रावत को इसलिए मारा लखनऊ में कि वो अनुसूचित जात का व्यक्ति था, पासी समाज का व्यक्ति था। वो खाली खाना देने गया और उसको मारते मारते कहा कि अधूरा कर दिया और ये कहा कि तुम कौन से हिंदू हो। और कुरील पंचायत भवन में भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। हम किसी और बाबा साहब अंबेडकर को भारत का पहला बलात्कारी बता रहे हैं। हम आंदोलन करेंगे। यहाँ पर सारे अंबेडकरवादी लोग, पिछड़े लोग यहाँ पर हैं। अगर हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। खबर गोंडा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में दौड़ने वाले सरकारी वाहन बिना फिटनेस और बिना इंश्योरेंस पेपर के रास्ते पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली गाड़ियों पर क्या परिवहन विभाग के नियम लागू नहीं होते हैं? जब इस बारे में जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का डॉक्टर इंदु बाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस और फिटनेस कराने के लिए बजट नहीं है और जो भी पेपर होते हैं वो एम्बुलेंस चालक के पास होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच की जाएगी। चार तो हमारे पास शव वाहन है, जो कि दो हमारे यहाँ से हैं और दो सीएमओ ऑफिस से हैं। उसमें से एक चल नहीं रही है सीएमओ के यहाँ से और एक में ऐसा बताया जा रहा है कि तेल नहीं मिल पा रहा है सीएमओ के यहाँ से। और राज्य के एम्बुलेंस जो है हमारे पास दो हैं, दो चालू अलग हैं, ठीक है, और एक एयर एम्बुलेंस और एक बीसीटी वैन जो चल रही है, लेकिन उसका एम्स ही नहीं हो पा, उसका मेंटेनेंस का नहीं हो पा रहा है। वो बजट सीएमओ के यहाँ से आता है और वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें कुछ कर... खबर आगरा से है, जहां थाना जगनेर क्षेत्र में एक चौंका देने वाला वाक्य सामने आया है। जहां एक युवक ने अपनी तंत्र विद्या शक्तियों को दोबारा हासिल करने के जुनून में घर का चिराग बुझा दिया। फूक तंत्र मंत्र के चलते एक मासूम की हत्या कर देवी को बलि चढ़ा दी और हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर नदी के पास फेंक दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये पास में एक कुएं के पास में ये खेल रहा था, वहां से इसने उठाया, इसको उठा के ये अपने ट्यूबवेल पे ले गया। ट्यूबवेल पे इसने फिर उस बच्चे को मारा। मारने के बाद इसने देवी के सामने फिर वो अपना मंत्र जाप किया, उस बच्चे को रख के, उसकी बच्चे की लाश को रख के। उसके बाद इसने उस लाश को छुपाने हेतु किवाड़ नदी जो पास में ही है वहाँ पे जाके इसने डंप कर दिया। जो बच्चे के पैर में सैंडल थे, जो बोरे थे, वो इसने अलग छुपा दिए थे ताकि कोई पहचान इसकी हो ना पाए, ताकि कोई इसको इसके पास पकड़ ना पाए। इससे जब पूछताछ की गई तो वो जो बोरा था जिसमें जिसका इस्तेमाल इसने लाश को छुपाने के लिए वहाँ किवाड़ नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया है, वो बोरा मिल गया है। मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका एवं महानगर अध्यक्ष केदार सिंह परमार के नेतृत्व में होटल दीवम इन सेक्टर 7 में अल्पसंख्यक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो देश के तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं। मिशन मोदी में एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रही है, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी, जिसमें आज हमारे यहाँ जो बैठक है
इस बैठक के अंदर ही अध्यक्ष घोषित होंगे। इसी बैठक में मथुरा से और फिरोजाबाद से कासगंज से जिलाध्यक्ष भी यहाँ पधारे हुए हैं। आगरा के महानगर अध्यक्ष नहीं है, महिला मोर्चा से भी कार्यकारी अध्यक्ष पधारी हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मोदी जी की नीतियों को घर घर तक ले जाना। आज मिशन मोदी अगेन पीएम आगरा महानगर अल्पसंख्यक मोर्चे का महानगर अध्यक्ष घोषित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अकरम हुसैन को हम महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सोशल साइंस पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में एक छात्र ने दो छात्र पर मोबाइल से नकल करने का आरोप लगाया है। बता दें, पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद दोनों छात्रों ने अपने साथियों के साथ आरोप लगाने वाले छात्र के साथ मारपीट कर ली, जिसके बाद सूचना पर एएमयू इंतजामिया के गार्ड मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है सोशल साइंस फैकल्टी का। उसमें पहले से अंदेशा था यूनिवर्सिटी की प्रोक्टोर कंट्रोल ऑफिस को और डीन को और एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट को ये इतला थी कि जिस तरह से पहले भी लड़के मोबाइल से नकल करते आए हैं, आज भी अंदेशा इस बात का था। इन लोगों ने बहुत भरोसा दिया कि नकल नहीं होगी, लेकिन आज भी एक क्लास में बैठ के दो लड़के नकल कर रहे थे, जिन पर संगीन आरोप भी हैं, जो मुजरिम में रह चुके हैं, जिन पर ऊपर FIRs भी है। वो बैठ के नकल कर रहे थे, उसी कमरे में बैठे एक सीधे साधे लड़के उबैदुल्ला ने जब इसके आपत्ति जताई और टीचर से शिकायत की, तो फर्स्ट पेपर ख़त्म होने के बाद उबैदुल्ला को उन लड़कों ने बुरी तरह से मारा पीटा, मार पिटाई की प्रोक्टोरियल टीम की मौजूदगी में। 12 बजे के बाद जो पेपर छूटा, उसके बाद में दो लड़कों के बीच में आपस में बात शुरू हुई कि साहब तुमने नकल करने की कोशिश किया मोबाइल से। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस बात को लेकर के जो इन्विजिलेटर उनके पास भी पहुंच गए, उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है, किसी ने कोई नकल नहीं किया, क्योंकि हम लोग मौजूद थे। उसी बात को लेकर के उन दोनों लड़कों के बीच में जो स्टूडेंट थे अपीयर हो रहे थे, उनके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर हमारा सिक्योरिटी स्टाफ और दूसरे टीचर थे, उन्होंने फौरन बीच में आकर के उनको छुड़ा दिया और फिर वो आपस में इधर। खबर औरैया से है, जहां पर शहर में संयुक्त चिकित्सालय की बिजली गायब हो गई। अस्पताल में मौजूद लोगों ने अधिकारियों से जनरेटर चलवाए जाने की मांग की, तो वहां पर मौजूद अधिकारियों के कानों तले जू भी नहीं रेंगी, जिसके बाद मरीजों और तीमारदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अस्पताल के डॉक्टरों कर्मचारी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बारे में जब CMS राजेश मोहन गुप्ता से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो वो भी टाल मटोल करते नजर आए। खबर अलीगढ़ से है, जहां फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि इस संबंध में शासनादेश का पालन नहीं किया गया, तो फार्मासिस्ट एसोसिएशन धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी जो मांगे हैं शासन के द्वारा हमारे यहाँ क्षेत्र परिवर्तन या काउंटर परिवर्तन के लिए जो आदेश है, वो ब्लॉक के अंतर्गत उसी ब्लॉक में समायोजित करना है उनको। लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध करते, मतलब सरकार की नीतियों को दरकिनार करते हुए माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माननीय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दोनों की मिली भगत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटा के मुझको, मैं अध्यक्ष होने के बाद भी मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगला बिरकू से हटाने के बाद, मतलब यह कि पैसा न देने पे मुझे हटा के वहाँ से समुदाय। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना दादू क्षेत्र के गांव पापरी नगल में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में आमने सामने आ गए, जिसमें दबंग पक्ष ने बुजुर्ग दंपति सहित लड़कियों को भी नहीं बख्शा और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनका पुलिस ने इलाज करवाया। अब देखना यह होगा कि पीड़ित पक्ष को किस तरह से न्याय मिलेगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने की जा रही सघन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 4 नाजायज चाकू बरामद किए हैं।
जिनके बाद गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए इतिहास तो अभी हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, अभी विवेचना, पर जो हमने कल जो मोबाइल चोर और मोबाइल हमने जब्त किए हैं उसमें लगभग 2:30 बजे हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेचने के लिए आ रहे हैं। इसी अभी सूचना के आधार पर जो चोरी के मोबाइल बेचने के लिए आ रहे हैं हमने तीव्रतम कार्रवाई करते हुए लगभग 2:30 बजे रात को 27/28 की पाँच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 11 चोरी के मोबाइल, 1 लैपटॉप और 4 नाजायज। इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे का गैर जमानती वारंट का प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं शूटर वर्तिका सिंह की तरफ से उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में विचाराधीन करके जेएम कोर्ट में मामले पर विचार करने की प्रक्रिया को लटकाने की बात कही है। वही कार्यवाही स्थगित करने की मांग की गई थी, लेकिन न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित न करते हुए शूटर वर्तिका सिंह आज NBW जारी कर दिया है। उस पत्र में जो पत्रांक पड़ा था उसी पत्रांक को, इनके पत्र को प्रेस ब्रीफिंग करते हुए एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित लिखा गया, जिसमें ये लिखा था कि वर्तिका सिंह को महिला आयोग का मेंबर प्रस्तावित होना अंकित था और वो माननीय स्मृति ईरानी जी की तरफ से लिखा गया, जबकि माननीय स्मृति ईरानी जी का न तो उस पर हस्ताक्षर था और न उनका वो लेटर था, दोनों फर्जी थे, हस्ताक्षर भी और लेटर पैड भी। इसी आशय की FIR उनके पर्सनल से खबर हरदोई से है, जहां तहसील सदर क्षेत्र के महुआ चाचर में ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया का विरोध किया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2005 में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है और धारा 52 के प्रकाशन के बाद चकबंदी प्रक्रिया कोई शेष नहीं रह जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने भू चित्र के आधार पर चकबंदी करने की मांग भी की। 2005 में चकबंदी का धारा 52 प्रकाशन हुआ था, धारा 52 प्रकाशन होने के बाद चकबंदी प्रक्रिया कोई शेष नहीं रह जाती। यहाँ कुछ कब्जा परिवर्तन अवशेष छोड़ के चकबंदी विभाग चला गया था, तो हम ये चाहते थे कि चकबंदी की नाप जिस तरीके से होती है वित्त तथ्यों के आधार पर, भूचित्र नक्शा चक 83 भाग 23 CH 41 इनका सबका अवलोकन किया जाता है, उसके बाद रकबा दिया जाता है। चकबंदी विभाग हमारे रकबे का मूल्यांकन लगाकर उसके पैसे बनाता है, फिर हम लोगों को रकबा नहीं पैसा दिया जाता है। अब मालियत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, चकबंदी में किसको कहां चक मिला इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, भूचित्र को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और कह रहे हैं हम चकबंदी कब्जा परिवर्तन की नाप कर रहे हैं तो ये नाप हमको मंजूर नहीं है। ये कह रहे हैं हमारा 60 साल से कब्जा है, पहले जमीन आउट थी, इस चकबंदी में आउट है, उसमें आउट लंबर में 4.5 बीघा खेत हमारे को नाप के दूसरों दिया जा, हमारा 4.5 बीघा रकबा कम किया जा रहा। खबर महाराजगंज से है, जहां भयंकर उमस और गर्मी के बीच बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली से 2 परिवारों में कोहराम मच गया। बिजली की चपेट में आई 2 परिवारों के युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों की मदद से पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो उधर लगातार हो रही बारिश के बीच अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में पुलिस परिवार के हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस लग गई है। रोपाई हो रहा था जी, तो ये बच्चिया भी जा गई थी धान का ये बीज पहुंचाने जी जी, और उनके घर के बगल में कहा रामप्रीत वो लेबर का काम करने गए थे, बीज पहुंचाने गए थे, तभी बारिश हुई और एकाएक बिजली तड़की और वहीं खेत में ही झटका मार दिया, वहीं गिर गए, हम लोग पिकअप से लेकर आए CHC और यहाँ डॉक्टर बताए। खबर देवरिया से है, जहां महुआ डीहा थादा क्षेत्र की गांव
चुरिया में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद देवरिया में महुआ डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुरिया खास ग्राम में एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला है। इस व्यक्ति की पहचान हो गई है। ये व्यक्ति 51 वर्ष का है और मूल रूप से हाता थाना क्षेत्र में जनपद कुशीनगर का निवासी है। गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। इस संबंध में थाना महुआ डीए पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और 3 टीमें इस घटना को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही आपसी विवाद में यह घटना की गई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।